गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक, पेज नंबर 14, एक्सरसाइज नंबर 3.3। एक्सरसाइज नंबर 3.3 के अंदर बच्चों हम जैसे अंडरलाइन ऑल द नेमिंग वर्ड्स इन इज सेंटेंसेस। बच्चों यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन सेंटेंसेस के अंदर नेमिंग वर्ड्स जो हैं उनको हमें अंडरलाइन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है करण गोज टू स्कूल, तो बच्चों यहाँ पर करण नेमिंग वर्ड हो गया और स्कूल नेमिंग वर्ड हो गया, तो हमने यहाँ पे करण पे और स्कूल पे अंडरलाइन ऑलरेडी हो रखी है। नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा है बच्चों यहाँ पे, देयर वर मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द जू, तो यहाँ पर बच्चों नेमिंग वर्ड्स कौन से हो गए, बर्ड्स हो गया, एनिमल्स हो गया और जू हो गया। नेमिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, जो बच्चे नाम वाले शब्द जो होते हैं वो नेमिंग वर्ड्स हो गए। ही सा ए बिग रेट इन द रूम, उसने रूम में बड़ा चूहा देखा, तो यहाँ पर नेमिंग वर्ड कौन हो गया, कौन सा हो गया, रेट हो गया, रूम हो गया। आर कैट हैज सिक्स किटन्स, तो यहाँ पर हो गया कैट और किटन्स। डक्स स्विम ऑन वाटर, तो यहाँ पर नेमिंग वर्ड क्या हो गया, डक्स हो गया और वाटर हो गया। माई पेंसिल एंड बुक्स आर न्यू, तो यहाँ पर हो गया पेंसिल और बुक। डेट इज ए राइप मैंगो, यहाँ पर क्या हो गया, मैंगो। बच्चों आपको इसी तरह से जो ये है नेमिंग वर्ड से इन पे अंडरलाइन करनी है। आपको बुक में ही एक्सरसाइज नंबर 3.3 है, क्वेश्चन नंबर 2 पे, अच्छे से समझ लो बच्चों इसको। आगे बढ़ते बच्चों हम मैथ सब्जेक्ट पे। मैथ सब्जेक्ट में बच्चों हमने एक्सरसाइज नंबर 1.10 क्लियर कर ली है, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.11 करने जा रहे हैं। बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है सी द पोजिशन ऑफ द एनिमल्स इन द लाइन, इन बच्चों की इन जो एनिमल्स हैं इनकी पोजिशन देखनी है बच्चों हमें। राइट देयर पोजिशन ऑर्डर इन द बॉक्स, इनकी जो पोजिशन है उनको पोजिशन को देख करके हमें इन बॉक्स में उनका नेम ऑर्डर करना, जो ऑर्डर जिस पोजीशन पे है वो राइट करना है इस पे। जैसे कंगारू, कंगारू किस पोजीशन पे, कौन से नंबर पे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये हमने यहाँ पे फिफ्थ राइट किया है। जैसे ये है राइनो है, ये कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये हमने यहाँ पे फोर्थ राइट किया है। ये जो डियर है वो कौन सी पोजिशन पे है बच्चों, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, तो हमने यहाँ पे सेवेंथ राइट किया है। एलिफेंट है वो कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट, सेकंड, तो हमने यहाँ पे सेकंड फिल किया है। आगे ये जो पिग है क्या है, ये बियर है बच्चों, ये बियर कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो यहाँ पे हमने थर्ड राइट किया है। हॉर्स कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट, तो आपने हमने यहाँ पे फर्स्ट राइट किया है। तो बच्चों आपको भी इसी प्रकार से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनको काउंट करके इन बॉक्सेस के अंदर इस टाइप से फिल करना है। बच्चों 1, 2, 3 नहीं लिखना है, इस टाइप से फाइव फिफ्थ लिखना है, तो फाइव लिख के TH फिफ्थ बनाना है उसको, फोर को फोर्थ बनाना है, सेवन को सेवन्थ, इस टाइप से ये राइट करना है आपको अपनी बुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ते हैं बच्चों, पढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, पोजिशन ऑर्डर ऑफ द लेटर एल इन द वर्ड स्कूल इज सिक्स्थ। बच्चों यहाँ पर सिक्स स्कूल जो वर्ड दिया गया है, स्कूल वर्ड जो दिया गया है उसके अंदर एल जो है वो कौन से, किस नंबर पे आ रहा है, जो एल लेटर है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, ये आ रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, किस नंबर पे आ रहा है, सिक्स नंबर पे, इसलिए यहाँ पर सिक्स नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है। सेकंड नंबर पे पोजीशन ऑफ लेटर ई इन द वर्ड गार्डन इज, गार्डन के अंदर किस नंबर पे ये, किस पोजीशन पे ये लेटर आ रहा है, ई लेटर किस पे आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये आ रहा है फिफ्थ पे, आपको यहाँ पे फिफ्थ राइट करना है। पोजिशन ऑफ द लेटर आर इन द वर्ड क्लासरूम इज, क्लासरूम के अंदर आर जो है किस पोजिशन पे आ रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो आपको भी यहाँ पे सिक्स्थ राइट करना है। पोजिशन ऑफ द लेटर इज इन द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के अंदर सी जो है वो किस पोजिशन पे आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, सी आ रहा है टेंथ पोजीशन पे, तो आपको यहाँ पे टेंथ राइट करना है। पोजिशन ऑफ द लेटर एन इन द वर्ड एलिफेंट, एलिफेंट के अंदर एन जो है वो किस पोजीशन पे आ रहा है, एन ही लिखा हुआ ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, तो आपको यहाँ पर सेवेंथ राइट करना है बच्चों इसी टाइप से।
क्वेश्चन नंबर 3 पे है बच्चों, राइट द नेम ऑफ द फ्लावर हुज़। बच्चों यहाँ पर एक फ्लावर का नेम दिया गया है, तो आपको वो देखना है कि किस फ्लावर का नेम दिया गया है। थर्ड लेटर इज एस, फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, थर्ड लेटर इज एस, तो हमें यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या लिखना है, एस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड भी हमने एस राइट किया है। नेक्स्ट पे लिखते हैं फर्स्ट लेटर इज आर, फर्स्ट पे हमने यहाँ पे आर राइट कर दिया है। फोर्थ लेटर इज ई, तो हमने यहाँ पे फोर्थ पे ई राइट कर दिया है। सेकेंड लेटर इज ओ, तो यहाँ पे हमने सेकेंड पे ओ राइट कर दिया है। इससे ये रोज फ्लावर का नेम बन रहा है बच्चों, तो आपको भी इसी टाइप से ये राइट करना है। एक्सरसाइज नंबर 1.11 इसी टाइप से आपको अपनी बुक में फिल करनी है।